पार्ट 3 शुरू हो चुका है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों द्वारा लॉकडाउन की अवहेलना करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए देखा जा रहा है, जिसको देखते हुए वाराणसी के आयरन मैन कहे जाने वाले श्याम चौरसिया ने एक और कारनामा करते हुए एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जिससे प्रशासन को मदद मिलेगी। जी हाँ, श्याम चौरसिया ने ऐसा रोबोट बनाया है जो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने की सूचना पुलिस तक पहुंचाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक ऐसा रोबोट तैयार किया गया है जो लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे उनकी खबर पुलिस तक पहुंचाएगा। दरअसल लॉकडाउन पार्ट 3 में लोगों द्वारा लगातार बड़ी संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना की जा रही है, जिसको देखते हुए स्मार्ट रोबोट पुलिस नाम का एक रोबोट तैयार किया गया है। एक इलेक्ट्रॉनिक रोबोट बनाया है जिसका नाम स्मार्ट रोबो पुलिस है। इसे बनाने का पर्पज ये था कि हमारे पुलिस ऑफिसर्स जो कोरोना क्षेत्र में हमेशा ड्यूटी कर रहे थे, जिसकी वजह से कुछ पुलिस ऑफिसर्स को कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उसी को देखते हुए हमने ये बनाया है। ये रोबोट हम लोग उस एरिया में कोरोना पॉजिटिव एरिया में सेंड करके वहाँ पे कैमरे लगे हैं, जिस कैमरे की वजह से हमारी पुलिस सारी व्यू ऑब्जेक्ट्स देखते हुए जो जहाँ पे भीड़ हो रही है वहाँ पे इसमें स्पीकर्स हैं, जिसकी वजह से हमारी पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा सकती है और जो भी मैसेज है वो भी भेज तब उन लोगों के सामने पहुंचा सकती है। इस रोबोट की खासियत की बात करें तो इस रोबोट को बनाने में 1 महीने का समय लगा है और इस रोबोट की रेंज 200 मीटर की है। गौरतलब है कि जब से केंद्र सरकार ने शराब के दुकानों को खोलने का ऑर्डर दिया था, तब से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वाले तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं। मेरा नाम श्याम चौरसिया है। श्याम चौरसिया जी, ये कैसा गैजेट आपने बनाया है, क्या ये मशीन है, क्या काम करती है और कितना दिन लगे बनाने में? देखिए, ये स्मार्ट रोबोट है, स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों के लिए है जो लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करते हैं। तो ऐसे में जो पुलिस के जवान हैं चौकी में थाने में बैठे बैठे आसपास के क्षेत्रों में इस मशीन के जरिए, इस रोबोट के जरिए अपना ड्यूटी कर सकेंगे। इस मशीन के आसपास में कोई भी अगर सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करता तो ये उनका फ़ोटो खींच करके नज़दीकी थाने को सेंड कर देगा, जिससे कि उन पर कार्रवाई हो सकती है और इसके पहले उनको अलर्ट भी करेगी कि आप लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करिए, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह से कोरोना हमारे देश में फैल रहा है, दुनिया भर में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। तो सोशल डिस्टेंस का पालन कराने के लिए और पुलिस के जो जवान हैं सेफ रह करके ड्यूटी कर सकें, इसके लिए हम लोगों ने इसको बनाया है। कैसे काम करता है? देखिए, ये अभी 100 से 200 मीटर का इसका रेंज है RF से, और इसको इंटरनेट से भी हम लोग कनेक्ट करते हैं तो आसपास के एरिया में इसको हम भेज करके मतलब जो है ड्यूटी भी कर सकेंगे और सोशल डिस्टेंस का लोगों को पालन भी करा सकेंगे। मन में ख्याल कैसा है इसको बनाने का? देखिए, अभी क्योंकि कोरोना के वजह से सारा देश परेशान है और हमने अभी देखा वाराणसी में हमारे थाने में ही कई जो जवान हैं वो पॉजिटिव पाए गए, तो हमें लगा कि इनकी जो पुलिस के जवान हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी कुछ होना चाहिए जो हमारे लिए 24 घंटा ड्यूटी देते हैं। तो एक आइडिया हुआ कि इस तरह के प्रोटोटाइप बनाया जाए, अगर सक्सेस होता है, काम करता है, तो हम लोग इसको काम करेंगे इस पर और इसको अच्छे से मॉडिफाई करके डिज़ाइन करेंगे और बनाएंगे। इस बीच ऐसा रोबोट प्रशासन के लिए कारगर साबित हो सकता है। रिपोर्टर्स पेज की खास रिपोर्ट।